कोटा में भी इस बार गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज एडीएम बीएल मीणा की अध्यक्षता में टैगोर हॉल में संबंधित विभागों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय करके अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले हुए आयोजनों में बरती गई लापरवाही का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बार कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर होगी, जिसमें यूआईटी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों के साथ बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम नयापुरा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में होगा, जिसके लिए मैदान तैयार करने की जिम्मेदारी नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई है। सभी युवाओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो भी बैठक व्यवस्था है उसमें हमारे जो भी स्वतंत्र सेनानी आते हैं, सैनिक अधिकारी आते हैं, उनके परिवार वाले आते हैं या जो भी जनप्रतिनिधि वगैरह आती है, उसके लिए कहा है कि उनके लिए व्यवस्था की जाए। जो जिनका सम्मान होना है, जिनको सर्टिफिकेट देना, उनकी भी अलग से व्यवस्था की जाए ताकि उन लोगों को दिक्कत नहीं हो। ये हमने जो है नगर निगम यूआईटी को पाबंद किया है। साथ ही पुलिस की भी जो भी व्यवस्था है उसके लिए हमने कहा कि वो अपनी जो पूरी व्यवस्था रखे। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्व संध्या पे होना है 25 जनवरी को, उसके लिए भी हमने शिक्षा विभाग को पाबंद किया कि अच्छे कार्यक्रम हो ताकि लोगों का मनोरंजन भी हो और जो हमारे कलाकार हैं उनको मंच पे अच्छा कार्यक्रम जो है देने का मौका मिले। तो सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने निर्देश दिए सभी को और ये है कि अच्छी व्यवस्था हो।